अब वहीं रूस यूक्रेन के इस युद्ध में तबाही की वो तस्वीर दिखी जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखी थी, और अब उस तबाही के तेज होने के भी संकेत मिल रहे हैं। मॉस्को के मिसाइल सेंटर पहुंची रूसी रक्षा मंत्री ने मिसाइल का प्रोडक्शन 2 गुना करने का आदेश दे दिया है। सर्गेई का ये ऑर्डर जेलेंस्की ही नहीं, अमेरिका और नेटो को भी परेशान करने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। महायुद्ध को 1 साल बीत गया, लेकिन तबाही की पुरानी तस्वीर अब भी जिंदा है। वही मिसाइल अटैक, वही ड्रोन अटैक, वही टैंक का दम और वही रॉकेट से रण। मॉस्को की एक तस्वीर जो जेलेंस्की के होश उड़ाने वाली है। बारूदी बंकर में वो चहलकदमी जो बाइडेन को डरा रही है। और रूसी रक्षा मंत्री का एक बयान जो नेटो को सख्ते में डाले है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के और भी घातक होने के संकेत मिलने लगे हैं, और भी तबाही मचाने की तैयारी की जा रही है, और इसका दावा खुद रूस के रक्षा मंत्री कर रहे हैं। सर्गेई शोइगु का मॉस्को जाना, मिसाइल सेंटर का दौरा करना और फिर मिसाइल प्रोडक्शन तेज करने का आदेश देना आसमान से आग बरसने की चेतावनी दे रहा है। Увеличение производительности труда, естественно, сокращение издержек, затрат. Затрат в основном имеется в виду трудозатрат. Трудозатрат. И за счет этого, конечно, увеличение, еще раз повторюсь, в 2 раза техники. Яньяб мисайл орбис зяда гарджинги. Барут ки бариш орбис зяда ки жайги. Ор Юкрейн пар кабзе ки хар кошиш хоги. जाहिर तौर पर पुतिन जर्रा बराबर जमीन भी यूक्रेन को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हथियार के दम पर वो कीव का किला जीतने की पूरी कोशिश में हैं। सर्गेई सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिसाइल सेंटर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्पादन 2 गुना करने का ऑर्डर भी दे दिया। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में अमेरिका ने दावा किया था कि रूस के पास मौजूद मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है। अब ना उसके पास उतनी किंजल है और ना इस्कंदर और ना ही सोवियत काल के हथियार। वहीं यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के 907 क्रूज मिसाइल और 2120 ड्रोन को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया है। उस कमी की भरपाई के लिए और अपनी जमीन को मजबूती देने के लिए पुतिन एंड पल्टन एक्टिव हो चुकी है। महायुद्ध में रूस ने यूक्रेन की जमीन को अपने घातक हथियारों से हिलाकर रख दिया, सटीक निशाने वाली मिसाइलों की बारिश की और टैंकों से बस्तियों को बर्बाद कर दिया, और फिर एक बार वही तूफान उठाने की रूसी सेना तैयारी कर रही है। मिसाइल के प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर देना जाहिर तौर पर रूसी सेना के घातक होने का संकेत है जो जेलेंस्की और उनकी सेना को खतरे में डाल सकता है।